नमस्कार विद्यार्थी, संस्कार भारती बीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, देखो आंग्ल मराठा युद्ध जो थे अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीन युद्ध लड़े गए, उन्हीं को आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन युद्धों में देखो जो पहला युद्ध है, प्रथम युद्ध, ये लड़ा गया था 1775 से 1782 के बीच। दूसरा द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1803 से 1805 के बीच। और जो तीसरा युद्ध था, अंतिम युद्ध, तृतीय युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये लड़ा गया 1817 से लेकर 1818 तक। ये तीन युद्ध लड़े गए थे अंग्रेजों और मराठों में आपसी प्रतिद्वंद्विता को लेकर। अब देखो ये युद्ध के लड़े गए हुए इनके कारण क्या थे, परिणाम क्या निकले, कौन कौन सी घटनाएं इसमें घटित हुई, ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखो प्रथम युद्ध के बारे में देखो, इसका जो प्रमुख कारण था वो था पेशवा पद को लेकर। उस समय क्या था, 1775 के आसपास, जब 1772 के अंदर क्या हो जाता है, 1773 में नारायण राव द्वारा क्या होता है, 72 में नारायण राव क्या बनता है, पेशवा बनता है, नया पेशवा। उसकी उसके चाचा जो है, क्या नाम है, रघुनाथ राव, इसके द्वारा क्या कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये पेशवा बनता है, लेकिन इसके पेशवा पद को भी नाना फडणवीस द्वारा चुनौती दी जाती है। और जो नारायण राव थे, उसका जो पुत्र है, जो अभी उसकी पत्नी के गर्भ में है, उसको नाना फडणवीस द्वारा पेशवा घोषित कर दिया जाता है। बाद में जब जाए पुत्र ही पैदा होता है और उसका नाम है माधव नारायण राव या माधव राव द्वितीय, वो पेशवा बन जाता है। और इसके पेशवा बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, ख्वाहिश जो है उस पर पानी फिर जाता है। अभी क्या करता है रघुनाथ राव, ये अंग्रेजों के पास चला जाता है। उस समय अंग्रेज कहां थे, उस समय अंग्रेज थे बंबई वाले एरिया में, बंबई, बंबई टापू था, बंबई का निर्माण अंग्रेजों द्वारा ही किया गया। यहां चले जाता है बंबई, बंबई प्रेसिडेंसी के पास रघुनाथ राव, और इसे क्या मांगता है, ये अंग्रेज से सहायता मांगता है, किसकी, इसलिए पेशवा पद को प्राप्त करने के लिए। और अंग्रेजों से क्या करता है, ये एक संधि करेगा, कौन सी, सूरत की संधि, एक सूरत की संधि करेगा। ये सूरत की संधि जो होती है, ये होती है मार्च 1775। सूरत की संधि करेगा, जिसके तहत क्या था कि अंग्रेज जो बंबई प्रेसिडेंसी है वो क्या करेंगे, इसको सैनिक सहायता देंगे, किसको, रघुनाथ राव, पेशवा पद प्राप्त कर रहे हैं। और बदले में रघुनाथ राव ने क्या किया, जो बसीन सालसेट वाला एरिया है वो किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, सूरत का कुछ क्षेत्र दे दिए। तो काफी सारे बेनिफिट्स किसको दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए, किसी रघुनाथ राव ने। अब यहीं से क्या होता है, आंग्ल मराठा युद्ध की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। आपसी मराठा संघ में आपसी फूट के कारण ये युद्ध होता है, रघुनाथ राव के कारण। सूरत की संधि हो गई, अब क्या है कि सूरत की संधि के संधि तो हो गई इधर बंबई प्रेसिडेंसी ने कर ली, लेकिन जो मेन प्रेसिडेंसी थी वो थी कलकत्ता। मुख्य मुख्यालय कहां था अंग्रेजों का, वो था कलकत्ता। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया, मानने से, मतलब इस संधि को नहीं माना, सूरत की संधि को नहीं माना। स्वीकार नहीं,
कलकत्ता वाले ने नहीं किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं किए। अब क्या गिरेगा कि जो कलकत्ता में जो उस टाइम कौन बैठा है, मुख्य अधिकारी बैठा यहाँ पे कलकत्ता में, यहाँ पे पूना है, तो क्या करेगा पूना, कलकत्ता से अधिकारी आएगा कहां पे, पूना में आएगा। वारेन हेस्टिंग्स एक अधिकारी को भेजेगा कलकत्ता में उस एक संधि करने के लिए, कर्नल अपटन को भेजेगा, इसको भेजेगा, यहां से कौन आएगा, कर्नल अपटन आएगा और यहां पर एक संधि करेगा, पुरंदर की संधि, एक नई संधि करेगा किसके साथ, नाना फडणवीस के साथ, क्योंकि पेशवा जो थे वो अभी क्या थे, शिशु थे, माधव नारायण राव, और उसका कार्यभार कार्य कौन संभाल रहा था पूरा, संभाल रहे थे नाना फडणवीस, पुरंदर की संधि। अपटन क्या करेगा, पूरा दरबार के साथ एक संधि करेगा, पुरंदर की संधि। ये संधि होती है सन मार्च 1776, ये होती है मार्च 1776 में एक से संधि कर ली, जिस संधि के तहत, इस संधि के तहत क्या प्रावधान किए गए थे कि जो पूना दरबार है ये क्या करेगा, माधव राव के, रघुनाथ राव के पेंशन दे देगा 25,000 रुपए वार्षिक, तो वो पेंशन देगा, और अंग्रेज जो क्या है क्या करेंगे, पूना दरबार के साथ किसी प्रकार का कोई वो नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, और इस संधि को क्या कर देंगे, सूर्य संधि को अमान्य कर देंगे इस संधि के तहत, ये प्रावधान किए गए। लेकिन मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में क्या हो गया, मतभेद हो गया, इधर से इसने मुंबई ने रघुनाथ राव के साथ संधि कर रखी थी सूरत की संधि, और इधर कलकत्ता ने पूना दरबार यानी कि पेशवा, इसका उसका संरक्षक कौन था, नाना फडणवीस, याद रखना किसके साथ की थी, नाना फडणवीस उस समय ये थे, पेशवा कौन थे उस समय, पेशवा थे याद रखना, पेशवा माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, इसी तरफ से नाना फडणवीस ने की थी संधि। अब दोनों में मतभेद हो गया कि इधर तो सूरत की संधि हो रही है, इधर पुरंदर की संधि हो रही है। अब क्या है कि अंग्रेजों ने इस संधि की परवाह नहीं की, उन्होंने रघुनाथ राव को वचन दे रखा था उसको सहायता देने का, तो क्या किया कि बंबई प्रेसिडेंसी ने पेशवा की सेना के साथ टक्कर लेने की सोची, और पश्चिमी घाट पर क्या होता है, यहां पर पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर एक युद्ध होता है, पश्चिमी घाट पर 1779 में एक युद्ध होगा, तालगांव का युद्ध, जनवरी 1779 में, जनवरी 1779 में एक युद्ध होगा तालगांव का युद्ध, इसके बीच बंबई प्रेसिडेंसी और पेशवा की सेना के बीच, इसके बीच होगा बंबई प्रेसिडेंसी वर्सेस यानी अंग्रेज, बंबई के अंग्रेज से वर्सेस पेशवा, पेशवा की सेना के साथ, इसमें ये सेना जीत जाती है, ये बहुत पूरी तरह हारते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक संधि करते हैं मुंबई अंग्रेजों के साथ, कौन, पेशवा, तो संधि वो कहलाती है बड़गांव की संधि, एक संधि की जाएगी बड़गांव की संधि, इस संधि के तहत क्या होता है, बड़गांव की संधि, एक संधि की जाएगी बड़गांव की संधि इस युद्ध के बाद 1779, कब 1779 बड़गांव की संधि, जिसके तहत इस संधि के कुछ प्रावधान थे। इस संधि के तहत क्या किया गया, बड़गांव की संधि के साथ, कि जो अंग्रेज जो है कौन से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, ये रघुनाथ राव का पक्ष लेना बंद कर देंगे, रघुनाथ राव का पक्ष लेना बंद कर देंगे इसके तहत, और समस्त विजित प्रदेश जो थे वो मराठों को लौटा देंगे। पेशवा ने ये पेश मराठों ने ये शर्त रखी कि ये रघुनाथ राव का पक्ष लेना बंद कर देंगे अंग्रेज, कौन से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के,
और जो क्षेत्र जीते हैं मराठों के जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते हैं वो वापिस कर देंगे, ये प्रावधान थे। और इसके साथ ही क्या किया गया, जो पुरंदर की संधि थी वो समाप्त कर दी इस संधि के तहत। ये संधि क्या थी, अंग्रेजों के लिए बड़ी अपमानजनक थी। तो यहां कलकत्ता में जब खबर पहुंची, कहा कलकत्ता में कौन था उस टाइम, वाइस रॉय, उस टाइम जो वाइस रॉय गवर्नर होता था, वाइस रॉय तो 1857 के बाद में जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये था कौन, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को था वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसको जब पता चली कि मुंबई प्रेसिडेंसी के साथ एक संधि की गई है, बड़गांव संधि, जिसके तहत क्या किया गया, कुछ प्रावधान किए गए जो कि अंग्रेजों के लिए बड़े अपमानजनक है, तो उसको क्या किया गया, उसने उस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए क्या किया, एक सेना का गठन किया और दो सेनापतियों को नियुक्त किया, दो सेनापति किसको करेगा, अब दो सेनापति नियुक्त करेगा, उन दो सेनापतियों के नाम है गोडार्ड और पोफम, दो सेनापति बने नियुक्त करेगा, दो है गोडार्ड और पोफम, दो सेनापति नियुक्त करेगा। अब दोनों क्या करेंगे, ये सेना लेकर मध्य भारत को रोनते हुए अहमदाबाद ग्वालियर को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये गोडार्ड जो है क्या करेगा, ये ग्वालियर को जीत लेगा और अहमदाबाद जो है यहां तक अपना निकास कर लेगा, कौन, गोडार्ड, मध्य भारत को रोनता हुआ था। ये अहमदाबाद करेगा, ये अहमदाबाद करेगा, पोफम करेगा किसको, ग्वालियर, ग्वालियर में कौन था, सिंधिया, पोफम ग्वालियर, यहां पे था कौन, सिंधिया, सिंधिया को मार देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, मराठों को हरा रहे हैं, लेकिन मराठों को उस समय खबर खबर मिलती है, ये जो बात है, ये जो घटना है जीतने की, 1781 के आसपास है, कब है, कब कब आई थी, 1781 में होता है ये भाई, ये गोडार्ड ने अहमदाबाद को और एक पोफम ने ग्वालियर जीत लिया था। तो अंग्रेजों को समय पता चला कि जो मराठा हैं, मराठा इन्होंने किसका सहयोग पा लिया, निजाम का और हैदर अली का, तो मैसूर का राजा हैदर अली और निजाम जो हैदराबाद का है, इनसे सहायता लेकर क्या कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के विरुद्ध आ रहे हैं। तो इसको जब पता चला तो अंग्रेजों ने क्या कि एक संधि करने का प्रस्ताव रखा, संधि करने का, वो संधि की गई थी महाजरी सिंधिया के मध्यस्थता के कारण, सिंधिया ने क्या कराई, महाजी सिंधिया ने मध्यस्थता कराई, एक संधि की गई सिंधिया के बाद, मध्यस्थता किसने करवाई थी, मध्यस्थता कराई इनके बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच महाजली सिंधिया, और ये संधि जो कहलाती है, ये कहलाती है, इधर लिख रहा हूं मैं, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो एक इस संधि के तहत समाप्त होता है, सालबाई की संधि, याद रखना कौन सी, सालबाई की संधि होती है, सालबाई की संधि, इसके तहत क्या होता है, मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, संधि होती है 1700, कब होती है, 1782 में, इस संधि के तहत क्या होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके कुछ प्रावधान थे जिनमें साल सेट वगैरह, साल सेट एलिफेंट का जो द्वीप है वो किसको मिले, अंग्रेजों को मिले, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष लेना त्याग दिया, अंग्रेजों ने संधि के तहत रघुनाथ राव का पक्ष लेना त्याग दिया, और सिंधिया को यमुना नदी के पश्चिम की अपने समस्त भूमि को पुनः प्राप्त हो गई, जो अंग्रेजों ने जो क्षेत्र जीता था सिंधिया का वापिस से लौटा दी संधि के तहत,
और बंबई दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए जो क्षेत्र थे, अंग्रेजों और मराठों ने एक दूसरे के क्षेत्र जीते थे, वापिस एक दूसरे को लौटा दी संधि के जरिए किया गया। और इस संधि के परिणाम स्वरूप हैदर अली को अर्काट के नवाब से जीती गई भूमि छोड़नी पड़ी। हैदर अली को भी जो, क्योंकि इसने ये इसका मित्र बन गया था, तो उसको भी जो क्षेत्र थे अंग्रेजों के मित्र था अर्काट का राजा, वहां पे कुछ भूमि छोड़नी पड़ी। तो इस संधि के तहत क्या हुआ, इस संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस संधि का एक परिणाम क्या निकला, परिणाम के तहत देखो इसमें किसी को किस प्रकार की सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए, राघोबा जो था वो शांत बैठ गया। तो इसमें क्या था कि एक तरीके से किसी अंग्रेजों को और मराठों को किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा। क्या क्या नहीं पहुंचा, मराठों और अंग्रेजों को किसी प्रकार का लाभ नहीं, दोनों को लाभ नहीं हुआ। विशेषता अंग्रेजों को नहीं हुआ, विशेषता अंग्रेजों को नहीं हुआ। मराठों को तो होता कि जो क्या था, उनके क्षेत्र वापस से मिल गई, जो राघोबा था ये शांत बैठ गया, मैन तो ये था ये शांत बैठ गया। विशेषता अंग्रेजों को नहीं होगा, अंग्रेजों को इतनी हानि उठानी पड़ी, कोई कुछ क्षेत्र मिला भी नहीं, सालसेट वगैरह वही मिले। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहीं पर कंप्लीट हो जाता है सावभाई की संधि के तहत, और अगले 20 वर्षों तक मराठा क्षेत्र में क्या है शांति बनी रहती है। क्योंकि अगला मराठा युद्ध वो 1703 में होगा, तो तकरीबन 20 सालों, 1782 से लेकर 1803 तक, तकरीबन 20 साल तक क्या है मराठवाड़ में, जो क्षेत्र है मराठवाड़, इसमें क्या है शांति बनी रहेगी, अपना काम करते रहेंगे, जो राघोबा है वो शांत बैठ जाएगा। अब अगला देखो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। फैक्ट है वो याद करना है, जैसे गोडार्ड है, कोफम है, उन सेनापति को भेजा था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। याद रखना है कि उस टाइम पे गवर्नर कौन था, उस टाइम का पेशवा कौन था, राजा कौन था, शासक कौन था, तो ये चीजें याद रखनी है। अगर एग्जाम में ये लिखते हो तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आप रामायण लिख दोगे कोई फैक्ट नहीं डालते तो नंबर काट लिया जाएगा। अब देखो देखते आप नंबर, द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से लेकर 1805। भाई सालबाई की संधि हो गई और 20 साल तक शांति बनी रही, 20 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि वापस से ये आपस में झगड़ने लगे। तो देखो इसके पीछे काफी सारे कारण थे, कारण क्या था वो देखो, उस समय जो पेशवा था उसमें माधव नारायण राव ने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी 1795 में। और नया पेशवा कौन बन गया, नया पेशवा जो बना था वो बना था कौन, माधव रघुनाथ राव का पुत्र बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन था, इस समय पेशवा कौन था याद रखना है आपको, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। अब देखो इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था वो था मराठों की आंतरिक समस्या, मराठों की आंतरिक समस्या। इसके कारण क्या हुआ था मराठों का, ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सॉरी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब देखो आंतरिक समस्या, इसके अलावा मराठा संघ में फूट, मराठा संघ में फूट ये भी कारण था, और नाना फडणवीस की मृत्यु हुई इस टाइम पर,
नाना फडणवीस की क्या हो गई थी मृत्यु, तो ऐसा कोई दरबारी विद्वान नहीं बचा था जो मराठों को संभाल सके जोड़ सके। और इसके अलावा वेलेजली जो उस टाइम था वो उसकी साम्राज्यवादी मिली वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति इसका शिकार हुआ मराठा से। ये कारण थे, ये चार चार पांच कारण है ये इस द्वितीय युद्ध के क्या थे कारण थे। अब देखो ये स्टार्टिंग में आंसर पेशवा कौन बना, इस टाइम पेशवा कौन था बाजीराव दित्य। माधव नारायण नारायण राव की 1795 में मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद राघोबा का जो पुत्र था बाजीराव सेकंड वो क्या बनता है मराठा का, मराठों का नया क्षेत्र। ठीक है, अब क्या है कि जो पेशवा है कौन बाजीराव सेकंड, ये क्या करता है एक संघ का निर्माण करता है, संयुक्त मोर्चे का निर्माण करता है, जिसमें क्या करता है ये सिंधिया को अपनी तरफ मिला लेता है, सिंधिया को क्या कर लेता है अपनी तरफ मिला लेता है, सिंधिया और पेशवा क्या मिल जाते हैं संयुक्त मोर्चे का निर्माण कर लेते हैं। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि जसवंतराव होलकर है इसके जो भाई है बिट्टू जी, बिट्टू जी क्या करते हैं इनकी इसकी हत्या कर देते हैं, ये मिलकर इसकी हत्या कर देते हैं कौन सिंधिया और पेशवा मिलकर। अब जसवंतराव होलकर क्या करता है कि अपने भाई का बदला लेने के लिए पूना, पूना की तरफ बढ़ता है, पूना पूना की तरफ बढ़ता है के सेना लेकर, सेना लेकर पूना की तरफ बढ़ता है और इस समय जो सिंधिया था महाजी सिंधिया नहीं थे, महाजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी, जिसमें दौलतराव सिंधिया था, याद रखना सिंधिया कौन था दौलतराव सिंधिया, मुझे सिंधिया कौन दौलतराव सिंधिया और पेशवा कौन था बाजीराव सेकंड। अब क्या करता है इन्होंने क्या मिलकर हत्या कर दी, अब इस सेना लेके आएगा और सेना लेके सेना भी इस तरफ कौन है इस तरफ सिंधिया है और पेशवा है, इसकी सेना लड़ेगी सिंधिया प्लस पेशवा वर्सेस होलकर कौन जसवंतराव होलकर, इन दोनों में क्या होगा युद्ध होगा। कहां पे होगा हिरदे सरनगर एक युद्ध होगा, कहां पे हिरदे सर नगर यहां पे युद्ध होगा 1802 में, कब होगा 1802 में हिरदेसर नगर का, जिसमें सिंधिया इसकी सेना की हार जाती है और होलकर जीत जाता है, क्या होगा होलकर जीत जाएगा और ये मृत्यु करते हैं, ये इसकी हत्या कब करते हैं 1801 में कर देते हैं बिट्टू जी, ये दोनों मिलकर और होलकर क्या करता है हिरदेसर नगर में इनको बुरी तरह पटकनी देता है इन दोनों की संयुक्त सेना। अब क्या करेगा कि जो पेशवा है होलकर से घबरा कर कहां भाग जाएगा, ये कहां भाग जाएगा ये भाग जाएगा अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास भाग जाएगा क्योंकि पूना पर तो अधिकार, पूना पर क्या हो गया था पूना से निकल गई हिरदेसर नगर के नगर के युद्ध में इनको हरा दिया पेशवा को और ये यहां से पूना से भाग कर कहां जाएगा अंग्रेजों के पास आ जाएगा, कहां पे बसीन में, बसीन में अंग्रेज थे बंबई प्रेसिडेंसी के मतलब आ जाएगा बसीन में, क्या इसने बसीन में शरण ले ली एक तरीके से बसीन में शरण प्राप्त। उस समय गवर्नर जनरल कौन था यहां का नहीं कलकत्ता में, मेन जो हेड था कलकत्ता में उस टाइम गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की बात की जाए गवर्नर कौन था वेलेजली, याद रखना सहायक संधि के लिए फेमस है वेलेजली, ये था गवर्नर जनरल।
तो ये पेशवा के साथ एक संधि करता है, बसीम की संधि, कब? 1802 में। बेलेजली क्या करेगा, एक संधि करेगा, बसीम बेसिन की संधि, बेसिन की संधि किसके साथ? पेशवा के साथ, जिसके तहत ये था कि ये वापस से पूना में किसको बिठा देंगे, पेशवा को वापस से बिठा देंगे, मतलब उसकी सहायता करेंगे। लेकिन संधि बहुत ही खतरनाक थी, इस संधि के कुछ प्रावधान थे, देख जिसके तहत क्या था, पेशवा ने अंग्रेजों को संरक्षण प्राप्त कर लिया। इस संधि के कुछ प्रावधान लिखो, याद आ गया? तो यहां से ही क्या हो जाएगा, मराठों का जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी, मराठों ने अपने अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए, एक तरीके से सहायक संधि कर ली, पेशवा ने सहायक संधि कर ली यहाँ 1802 में। देखो बसीम की संधि, बसीम की संधि कब? 1802 में। जैसे कुछ प्रावधान देख, प्रावधान की बात की जाए, क्या क्या शर्तें थी, मतलब प्रावधान में मतलब शर्तें, देख फ्रेंड्स सर देखो, पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया, पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया, प्राप्त किया अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करना, अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, एक तरीके से अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, मतलब अंग्रेज इसकी क्या करेंगे, संरक्षण देंगे, और पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया, मतलब सहायक संधि थी ये, सहायक संधि सत्य सारी, सहायक संधि के तहत रखी जाती थी सेना, अरे सेना, और क्या किया गया, नर्मदा व ताप्ती का क्षेत्र, ताप्ती का क्षेत्र, ताप्ती का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों जिसकी आय 26 लाख रुपए, सालाना आय सब कितनी, 26 लाख रुपए, ये वाला क्षेत्र किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, संधि के तहत क्या किया, सूरत नगर को अंग्रेजों को दे दिया, सूरत नगर को अंग्रेजों को दे दिया, सूरत वाला क्षेत्र जो अंग्रेजों को दे दिया, इसने सौंप दिया साहब, आप मदद कर रहे हैं ले लो, और इसके साथ क्या, अन्य यूरोपियों के साथ संबंध स्थापित नहीं करने का वचन दिया, अन्य यूरोपियन शक्तियों के साथ संबंध नहीं स्थापित करेंगे, मतलब कोई वो शर्तें हैं जो सहायक संधि वाली, ये सहायक संधि थी, और अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही विवादों का क्या करेंगे, निपटारा करेंगे, अगर कोई विवाद हो जाता है किसी राज्य के साथ तो अंग्रेजों की मदद से क्या करेंगे, विवादों का निपटारा करेंगे। और एक और था, वो था निजाम से जो जोध वसूलना था वो छोड़ दे, पेशवा क्या करेगा, निजाम से जोध नहीं वसूलेगा, क्योंकि निजाम पहला व्यक्ति था, पहला रियासत निजाम की पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी,
और ये सारी संधि थी किसने, जो पेशवा भाजीरावदित्य ने किसके साथ की थी, लॉर्ड वेलेजली के साथ। तो ये सारी इस संधि के प्रावधान थे बेसिन की संधि की, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि ये संधि इतनी अपमानजनक थी कि जो पेशवा जो है वो खूब बहुत अपमानित अपने आप को क्या कर रहा था, बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, और मन ही मन क्या हुआ अंदर अंदर क्या कर रहा था वो अन्य मराठा सरदारों को इकट्ठा कर रहा, संगठित कर रहा था। और जो पूना दरबार है, जो अन्य सरदार है, वो भी क्या थे, संधि को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ कि अब मराठा लोग क्या करेंगे, वापिस संगठित होने के लिए इकट्ठा होंगे, वापिस से संगठन बनाएंगे, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। क्योंकि ये संधि क्या थी, बहुत ही अपमानजनक, एक तरीके से मराठों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी, अपनी स्वतंत्रता किसके गिरवी रख दी, अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी थी। तो ये पूना दरबार के लिए क्या थी, एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी। और इसके तहत क्या किया गया, मराठों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर लिया, संगठन तैयार कर लिया। अब क्या क्या होगा कि मराठे और अंग्रेजों का क्या होगा, एक युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, संगठन मराठों को चुनौती देना, मतलब अंग्रेजों को चुनौती देना स्टार्ट कर रहे हैं कौन, मराठे। अब देखो ये संधि नोट कर लो, चले मराठों ने अपने आप को संगठित कर लिया, होलकर है, सिंधिया है, गायकवाड़, सभी क्या होंगे, एकजुट हो जाएंगे अंग्रेजों से लोहा लेने लड़ लेने के लिए। और 1803 में क्या हो जाता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्या हो जाता है 1803 में युद्ध युद्ध प्रारंभ हो जाता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब देखो फिर क्या किया गया कि वेलेजली ने जो है, वेलेजली ने दो सैनिकों को सेनापति को नियुक्त किया, एक है आर्थर वेलेजली, ये लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली इसने किया आर्थर वेलेजली को, आर्थर वेलेजली, और एक किया जनरल लेक को, लेक। इन दोनों सेनापतियों ने, देखो आर्थर वेलेजली दक्षिण भारत को, दक्षिण भारत में युद्ध किया दक्षिण भारत की तरफ, और इसने उत्तर भारत को संभाला। दो सेनापति नियुक्त किए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए। अब देखो जो आर्थर वेलेजली है, ये आर्थर वेलेजली ये सिंधिया, सिंधिया और जो भोसले हैं उनके साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा सिंधिया और भोसले के साथ, सिंधिया और भोसले के साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। और इस युद्ध में क्या होता है, इन युद्धों में ये क्या होता है, सिंधिया और भोसले के साथ हार जाते हैं, पर हारने के बाद एक संधि करेंगे, दोनों अलग अलग संधि करेंगे, सिंधिया और भोसले दोनों अलग अलग संधि करेंगे। इसमें एक पहले संधि होगी सिंधिया के साथ, सिंधिया के साथ पहली संधि होती है 1803 में, 1803 में सुरजी अर्जन की संधि, पहली संधि होगी सुरजी अर्जन की संधि, इसके साथ सिंधिया के साथ। इसके बाद दूसरी संधि होगी भोसले के साथ, ये भी 1803 में होगी, ये होगी दिसंबर 1803 में, दोनों ही पेरिस के साथ होगी, भोसले के साथ ये होती है 17 दिसंबर को, और ये होती है 3 दिसंबर को, ये सेकंड वाली है, पहले भोसले के साथ होती है, भोसले के साथ जो संधि होगी वो देवगांव की संधि, कौन सी संधि, देवगांव की संधि, ये दो संधि होती है भोसले, और पहली संधि होगी देवगांव की संधि किसके साथ, भोसले के साथ, और द्वितीय संधि होगी सुरजी अर्जन की संधि 3 दिसंबर 1803 को, किसके बीच, आर्थर वेलेजली और सिंधिया और भोसले के बीच।
और ये संधिया थी इसके तहत क्या था? इस संधि के तहत कुछ शर्तें, कुछ प्रावधान रखा गया, जिसके क्या है कि जो ये मराठा सरदार थे, इन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। एक तरीके सहायक संधि के लिए ये तैयार हो गए थे, हार गए तो सहायक संधि इनके ऊपर लांग दी गई। अब जो जनरल लेक है ये तो उत्तर भारत को संभालेगा। उत्तर भारत में उस टाइम था होलकर, जो होलकर जो है ये भरतपुर पहुंच गया 1804। कहा जाता है कि यहाँ पर चार बार, पांच बार उसने आक्रमण किया भरतपुर के किले पर, लोहागढ़ पर, और पांचों बार असफल रहे अंग्रेज। उसके बाद जो होलकर है ये भरतपुर के बाद राजा रणजीत सिंह के पास चला गया, पंजाब चला गया, राजा रणजीत सिंह के पास चला गया। रणजीत सिंह ने इनसे सहायता देने से मना कर दिया, सहायता नहीं दी, और बाद में इसने क्या कर लिया, संधि कर ली। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ, राजघाट की संधि 1804 में क्या कर ली, राजघाट की संधि कर ली। और ये भी क्या कर लिया, ठिकाने बैठ गए, एक तरीके से ठिकाने बैठ गए। तो ये जो द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध है, जो इन संधियों को, तीन संधियों के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अंग्रेजों का इसमें क्या हो जाता है, अंग्रेजों की शक्ति निकल के सामने आती है, और ये साबित हो जाता है कि अब जो अंग्रेज जो है वो इंडिया को पूरी तरीके से अपने अंडर में लेने के लिए तैयार है। क्योंकि मराठा जो सबसे बड़ी एम्पायर थी उस टाइम की, जो अंग्रेजों की सबसे बड़ी मुसीबत थी, उसको इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। इन संधियों का सारे जो सरदार थे मराठा सरदार, वो एक एक करके अंग्रेजों के अंडर में आ गए। अंग्रेजों क्या कर लिया, सहायक संधि कर ली, सहायक संधि पहले 1802 में हो चुकी थी। इन संधियों को शायद उन्होंने क्या कर लिया, उस संधि को एक्सेप्ट कर लिया जो कि पेशवा के साथ की गई थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध इन संधियों के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब देखो तो अगला जो युद्ध है वो तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध, इसके बारे में देखो। त्यागी मराठा युद्ध कब हुआ था, 1817 और 1818। अब देख इसको देख, उस समय जो गवर्नर था वो गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, गवर्नर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ये था कौन, गवर्नर जनरल। अब देखो एक संधि हुई थी, कौन सी, 1802 में सहायक संधि, पेशवा के साथ एक सहायक संधि हुई थी। उस सहायक संधि के तहत क्या किया गया था कि एक रेजिडेंट पूना में, क्या है, पूना दरबार में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की, पूना दरबार में क्या किया गया, एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई थी इस संधि के तहत पूना दरबार। अब देखो अब क्या है कि अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी क्या, पिंडारी, पिंडारी सबसे बड़ी मुसीबत थी। और मराठा जो थे, ये मराठा जो लोग जो थे ये क्या कि राजपूत, राजस्थान में राजस्थान के राजपूत शासक इनको परेशान करते थे, और पिंडारी किसके सहयोगी थे, मराठों के सहयोगी थे, इसके मराठों के सहयोगी थे। तो क्या है कि अंग्रेजों ने क्या कर रखी थी, मराठों के साथ सहायक संधि कर रखी थी।
मराठों पर दबाव बनाया कि वो पिंडारियों को क्या करे, समाप्त करने में उनकी सहायता करे, और राजस्थान में के जो राजा है उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पिंडारी क्या करते, राजस्थान में जाकर अटैक करते, लूटते थे और अंग्रेजों को भी काफी परेशान करते थे। तो पिंडारियों को से क्या करना चाहते थे, ये छुटकारा पाना चाहते थे। तो गवर्नर जनरल था, उसने क्या कर दिया, पिंडारियों से छुटकारा पाना चाहता था वो, तो इसका दमन करने का निश्चय लिया। ये कर लिए एक तो, और एक था कि जो पूना में जो रेजिडेंट था, इसने क्या किया, पेशवा को अपना पद छोड़ने के लिए उस पर दबाव डाला, पेशवा को अपना पद छोड़ने के लिए क्या किया, दबाव डाला। पेशवा कौन था याद रखना आप, बाजीराव सेकंड। इस पर दबाव डाला लेकिन पेशवा ने अपना पद नहीं छोड़ा, और जो रेजिडेंट और पेशवा में क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, पेशवा इसमें वे मनुष्य मनमुटाव हो गया, वे मनुष्य स्थापित हो गया, यानी मनमुटाव। उस समय जो पेशवा जो वो था कौन, रेजिडेंट, रेजिडेंट जो था वो एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन ये था। इन दोनों में क्या हो गया, मनमुटाव हो गया, पेशवा और इसमें किसमें, रेजिडेंट में। तो पेशवा ने क्या कर दिया, जब वो दबाव डाल रहा था तो पेशवा ने क्या किया कि पेशवा ने रेजिडेंट पर हमला कर दिया, पेशवा ने रेजिडेंट पर हमला कर दिया। इन दोनों में क्या हो गया, आपस में युद्ध हो गया। हमला कर दिया और फिर क्या होता है कि एक संधि होती है, कौन सी, 1817 में पूना की संधि, 1815 में 17 में क्या होती है, एक संधि होती है पूना की संधि। कौन संधि होती है, पूना की संधि। और इस संधि के तहत क्या है कि जो पेशवा है उसने मराठा संघ की क्या त्याग दी, मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। इस संधि के तहत क्या किया गया, पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी, पेशवा पद को त्याग दिया और सामरिक महत्व के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए, और सामरिक यानी युद्ध वगैरह जो है सामरिक महत्व के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दी इस संधि के तहत, क्या कौन सी, पूना की संधि के तहत। अब क्या है कि ये इस संधि के तहत पेशवा को अपना पद त्यागना था, लेकिन पेशवा ने क्या किया कि संधि के बाद भी जो अपना पद है अपना पद नहीं छोड़ा, अपना पद नहीं त्यागा, संधि तो कर ली लेकिन पद नहीं छोड़ा। तो इसके बाद क्या है कि युद्ध होता है, दो युद्ध होते हैं, दो 1818 में और 1818 में, एक होता है जनवरी में और एक होता है फरवरी में, एक जनवरी में होता है एक होता है फरवरी में। तो ये दो होते हैं, जनवरी और फरवरी, एक होता है कारेगांव का युद्ध, एक होता है अंटी का युद्ध, अष्टी का युद्ध, कारेगांव का रेग, अष्टी का युद्ध।
तो युद्ध कारेगांव का युद्ध और अष्टी का युद्ध, दो युद्ध होते किनके बीच, अंग्रेजों के बीच और मराठों के बीच, कारेगांव और अष्टी का युद्ध। जो अष्टी का युद्ध है इस युद्ध में पेशवा अंतिम रूप से हार जाता है, अंग्रेजों से अंतिम रूप से क्या करेगा, वो हार जाएगा। यही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। इस युद्ध में तृतीय अंतिम रूप से हार जाएगा और क्या करेंगे, अंग्रेज जो है वो पेशवा को क्या कर देंगे, यहां से निष्कासित कर देंगे। कहां से, पूना से हटाकर उनको बिठूर में, एक जगह है बिठूर में क्या कर देंगे, बिठूर भेज देंगे और उनकी क्या कर देंगे, 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बांध देंगे। मतलब उनको 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर बिठूर में भेज दिया, इसको पेशवा। इस तरीके से क्या है, जो मराठा क्षेत्र है वो सब किसके हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। और जो पूना जो है, पूना दरबार में जो है, जो बिठूर है, बिठूर में कानपुर में ही आ रखना, कानपुर में, क्योंकि आगे जब हम 1800 क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें नाना साहेब आएंगे, जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। वो कानपुर से जो उसने अपना वो किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बांध देंगे, बिठूर में निवासित कर देंगे। पेशवा के क्षेत्र से अब क्या करेंगे, ये पेशवा का क्षेत्र था उसे सतारा को अलग कर देंगे। और सतारा जो उनके जो मेन जो हेड था पहले, वो सतारा ही था, तो वो सतारा को अलग कर देंगे। सतारा में जो है, सतारा में क्या करेंगे, वो नए छत्रपति को नियुक्त कर देंगे। सतारा को शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सौंप देंगे। मतलब प्रताप सिंह को नया छत्रपति बना दिया उन्होंने और उसको सौंप दिया, प्रताप सिंह को सौंप दिया, शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सौंप दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये समाप्त हो जाता है और मराठे जो है वो हमेशा के लिए क्या हो गए, शांत हो गए। अब उनका राजनीतिक नियंत्रण समाप्त हो गया, वो क्या हो गया, अंग्रेजों के क्या हो गए, सहायक हो गए, उनके सहायक संधि इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। अब एक जगह वो किसी प्रकार के राजनीतिक उत्पाद नहीं मचा सकते थे, साम्राज्य के लिए कोई लड़ाई नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। कौन से युद्ध के साथ, अष्टी के युद्ध के साथ। ठीक है, तो ये जो आज है अपना आंग्ल मराठा युद्ध जो है, 3 आंग्ल मराठा युद्ध अपने पढ़े, ये समाप्त हो गए और हम जो है मैसूर की तरफ हम रुक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।